हेलो दोस्तों, स्वागत है तीसरे वीडियो में। ये वाला हिंदी में होएगा। काफ़ी लोगों ने फीडबैक दिया कि हिंदी में बनाया जाए। आई एम नॉट श्योर, जो फीडबैक आया लेट्स गो विद दैट। अगर आपको लगता है इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है सो मे बी विल फॉल बैक टू दैट। एनीवेज, इट्स टारगेटेड फॉर इंडियन यूजर्स मोस्टली। एनीवेज, सो बात करते हैं। हमने अभी तक दो वीडियो में देखा, एक तो डिवीजन सब डिवीजन्स, एंड फिर सेकंड वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम वो इंफॉर्मेशन यूज़ करके इवन मेलोडी सीख सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम वही मेलोडी लेंगे, लेकिन हम क्या करना चाहेंगे, हम सेम मेलोडी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रिंग्स में बजाना चाहते हैं। अभी मान लीजिए हमने उस दिन, फॉर एग्जांपल, लेट मी जस्ट ज़ूम इन। सो उस दिन जैसे हमने सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग पे मेलोडी लर्न करी थी, ये दिस इज़ फोर्थ फ्रेट दैट आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम। सो 4 5 7 8 7 5 7 8 7 5 7 4 5 7 8 7 5 7 8 7 5 5 नी वरे गारे सारे गारे सारे जो मैं यहाँ अभी डिस्कस करना चाहता हूँ कि अब हम क्या चाहते हैं कि हम ये सेम मेलोडी हर एक पॉसिबल स्ट्रिंग पे बजाएं। और एक बार जब हम वो स्टेप अचीव कर लेंगे, हम चाहते हैं हम ये मेलोडी ऑन टू स्ट्रिंग्स में गाएं। आई विल शो यू व्हाट आई मीन। सो अगर हम पहले नोट्स देखें एक बार, दूसरी स्ट्रिंग्स पे यही नोट क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे तो अगर आप ये नोट अगर हम ढूंढें सेकंड स्ट्रिंग पे कहाँ मिलेगा, ये तो नहीं है। ये लग रहा है, राइट? तो यहाँ से वही पैटर्न रिपीट करते हैं। यहाँ हमने क्या किया, हम एक स्टेप आगे आए, फिर दो स्टेप आगे, फिर एक स्टेप आगे, राइट? तो यहाँ से हम वही करते हैं। सो दिस आई हैव रीच्ड, दिस इज द 9th फ्रेट बी स्ट्रिंग पे। फॉर एग्जाम्पल हमने अब ये मेलोडी दो पोजिशन से सीख ली है। एक तो हम फर्स्ट स्ट्रिंग पे सीख गए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द 4th फ्रेट, और एक हमने मेलोडी ये सीखी है स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th फ्रेट ऑन द बी स्ट्रिंग। Once you have got this in place, आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब ये मेलोडी हम दोनों स्ट्रिंग पे बजाएंगे। लेट मी शो यू व्हाट आई मीन। सो एक हमने इन्फर करी नॉलेज कि ये नोट और ये नोट सेम है, राइट? सो अब हम वही मेलोडी बजाते हैं, लेकिन हम पहला नोट यहाँ से उठाएंगे। तो जैसे फर्स्ट नोट मैं यहां से बजा सकता हूं। अब मैं फर्स्ट के बाद सेकंड नोट भी इसी स्ट्रिंग पे एक आगे बजा सकता हूं। इसी तरह अब मैं तीसरा नोट भी इसी स्ट्रिंग पे एक आगे बजा के चौथा नोट नीचे ही बजा सकता हूं। सो अगर हम इसको एज ए एक्सरसाइज करें, सो
एक्सरसाइज से हमने क्या देखा कि हम सेम मेलोडी एटलीस्ट 4 पैटर्न से बजा सकते हैं, एंड आई थिंक इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये पैटर्न उंगलियों को ये पैटर्न उंगलियां बजाएं ताकि उनको उनकी आदत हो जाए. अदरवाइज कुछ ऐसे स्ट्रेचेस होंगे जो इनिशियली अभी आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे. अभी आप एक्चुअली यही मेलोडी अगर बजा रहे होगे फॉर सम यूजर्स अभी तो ये पिंकी फिंगर में दम नहीं आ रही होगी या पहुंच नहीं रही होगी. बहुत चीज़ें अभी हो रही होंगी विच इज़ परफेक्टली ओके. यू कैन जस्ट यूज़ योर 3 फिंगर्स टू स्टार्ट विद, है ना. विद टाइम आप चौथी फिंगर यूज़ करिए, वो धीरे धीरे डेवलप होगी. सो विद इवन विद 3 फिंगर और फिर ये तीसरी फिंगर से ही फिर यहाँ पे और फिर सो एक बार ये कॉन्सेप्ट अगर आपने समझ लिया बस इसके बाद अब आप ये चीज स्ट्रेच करते रहिए टू ईच एंड एवरी स्ट्रिंग. आई विल से जैसे हम अब यहाँ पे हम आ सकते हैं, ये जी स्ट्रिंग पे हम एक ऊपर आ सकते हैं जैसे हम यहाँ बजा रहे थे. अब ये नोट ये और ये सेम नोट है तो हम पहला नोट मेलोडी का यहाँ से उठा सकते हैं. अब ये पहला है तो इसके आगे ही हमें मालूम है सेकंड है, फिर ये थर्ड है, ये फोर्थ हम वही पिछली स्ट्रिंग से उठा ले रहे हैं. आई थिंक ये एक्सरसाइज करी जाए, आप इस फैशन में आगे जाइए, एक स्ट्रिंग जाइए, इससे क्या होगा उंगलियों को आदत पड़ेगी, दे विल रिकॉग्नाइज द रिलेशनशिप जो दो स्ट्रिंग्स के बीच में है, कैसे इस स्ट्रिंग का सेम नोट यहाँ पे कहाँ मिल रहा है, राइट, एंड यहाँ पे इसी केस में वो कहाँ मिल रहा है, इस केस में वो कहाँ मिल रहा है, तो क्या होगा धीरे धीरे आपकी उंगलियाँ वहाँ पे अपने आप जाना चाहेंगी. आप सेम कॉन्सेप्ट एक्चुअली यहाँ से शुरू कर सकते हैं एग्जैक्टली. जैसे ये हमने सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग से उठाया 4th फ्रेट से, इसको हम यहाँ से भी बजा सकते हैं जी स्ट्रिंग पे 1st फ्रेट अगर हम बजाएं. अब ये वही कॉन्सेप्ट एक्सटेंड करके अभी पहला नोट यहाँ पे है, एक्सरसाइज करी जाए, दिस विल रियली हेल्प यू, एंड आई विल रिकमेंड आप कोई और मेलोडी अगर आप सीख रहे हो, यू आर पिकिंग अप सम अदर ट्यून, डू द सेम ट्रीटमेंट इवन विद दैट ट्यून, ट्राई टू प्ले इट फ्रॉम एज मैनी पोजिशंस एज पॉसिबल, राइट. जैसे हमने यहाँ पे अभी एक मिस कर दी, आई मीन वो आप एक्सपेरिमेंट करोगे यू विल फाइंड सो मेनी. सो ये ओपन स्ट्रिंग पे बज रही है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम वही सेम 1st फ्रेट, अब ये जो नोट है आई नो ये इसके नीचे वाली स्ट्रिंग ओपन स्ट्रिंग सेम है, और ये वाला नोट ऑफ कोर्स ओपन के एक फिर एक आगे मिलेगा,
नोट का रिलेशन तो वही चल रहा है, अगर इस स्ट्रिंग पे वो नोट एक स्टेप आगे है तो इस स्ट्रिंग पे भी वो नोट एक स्टेप आगे ही होगा। सो अब ये चीज यहाँ से बच सकती है। सबसे टॉप स्ट्रिंग पे भी वही चीज बच सकती है, सेम पोजीशन, फोर्थ फ्रेट। अनफॉर्चुनेटली अब ये नोट अभी हम ऊपर कहीं मिलेगा नहीं, और कोई स्ट्रिंग है नहीं, बट ऑफ कोर्स सो ये फिंगर पैटर्न्स करिए, आई थिंक फोर फिंगर पैटर्न्स है, एक लीनियर है, फिर एक ऐसा है जिसमें सिर्फ एक नोट ऊपर वाली स्ट्रिंग पे है, फिर बाकी तीन नीचे हैं, फिर एक पैटर्न है जिसमें ऊपर वाली स्ट्रिंग पे दो नोट हैं, नीचे दो नोट हैं, फिर एक पैटर्न है जहाँ पे ऊपर वाली स्ट्रिंग पे तीन नोट बजा रहे हैं और नीचे नोट बजा रहे हैं। सो दीज आर डिफरेंट पैटर्न, ये आपको इट्स बेटर कि उंगलियाँ इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू जाएं। सो ऑल राइट फ्रेंड्स, गिव इट अ ट्राई, आप कमेंट छोड़िए, यू कैन मैसेज मी एज यू आर डूइंग if you have any doubt, but I will recommend of course message छोड़िए, YouTube का algorithm है या whatever, that will at least boost the video up. All the best guys.